फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि येस्टरडे वी हैव प्रॉमिस्ड यू, तो आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं फुल एनालिसिस कल जो ESIC अपर डिवीजन क्लर्क 2019 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है उसका, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज स्लेटेड टू बी हेल्ड ऑन 1st of September 2019। और दो ऐसी जानकारियां देंगे इस वीडियो में आपको, दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप बहुत दिनों तक ये इन्फॉर्मेशन, आप ये अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप जरूर हमें याद करेंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमें द हम्बल गाई चैनल से मिली थी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाई, लेट्स बिगिन। सबसे पहले रिजल्ट्स ऑफ ESIC UGC स्टेनो वर डिक्लेयर्ड यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है, कल यानी 8th of August 2019 को ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए। इसके बाद इसमें क्या है, प्रिलिमरी के सारे मार्क्स वगैरह भी आ गए ESIC UGC के, बट ESIC स्टेनो के मार्क्स नहीं आए। तो आप लोग पूछ रहे थे, तो इसका जो मार्क्स है आप जो मेंस एग्जाम का, इट विल बी रिलीज आफ्टर थर्ड फेज, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ ही इसका मेंस का मार्क्स भी जो है वो रिलीज हो जाएगा सबका, क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड सबका, ठीक है। अभी आप पिछले ESIC SSO से इफ यू विल फॉलो द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर विच ESIC इज कंडक्टिंग, वो बिल्कुल फेयर और सबसे शानदार तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई RTI डालने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कट ऑफ, जितने लोग क्वालिफाई हैं उनके सारे मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स, सब कुछ पब्लिक डोमेन में वो दे रहे हैं। तो मार्क्स जो है स्टोनो का, वो भी आपका जो थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज अभी होगा, उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट के साथ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, मेंस एग्जामिनेशन इज ऑन 1st September, ये बिल्कुल डेट जो है निर्धारित हो गई, इसके लिए डाउट मत करिएगा, क्योंकि EPFO SSA जो है वो इट विल बी हेल्ड ऑन 31st of August, ठीक है, उसका लिंक भी आ चुका है, और शायद एडमिट कार्ड जो है चेक तो हमने नहीं किया, बट लिंक आ चुका, आप चेक कर लीजिए, शायद आज से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 31st को है EPFO SSA और 1st September को है मेंस एग्जामिनेशन ऑफ ESIC UDC। आपके पास रहते हैं लगभग 520 आवर्स, इन 520 आवर्स को आप बिल्कुल जुडिशियसली यूटिलाइज कीजिए। अभी सब कुछ भूल जाइए आप, कोई इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई और सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक नहीं, ये 520 आवर्स अगर आपने जुडिशियसली यूटिलाइज कर लिए तो आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सर्वोच्च नौकरी है बिल्कुल ये, लेकिन एक एवरेज जो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस वाली नौकरी, 7th CPC वाली नौकरी, वो मिल जाएगी आपको। तो आप एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है हमारे पूरी टीम की तरफ से, एक एक पल, एक एक क्षण, जिसने इस पल को यूटिलाइज करा वही सक्सेसफुल होगा आगे। लेवल ऑफ मेंस पेपर पूछ रहे हैं आप लोग, कैसा होगा लेवल ऑफ मेंस पेपर, आप, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जो ESIC SSO का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था और इस साल भी वो कैरी ओवर हुआ था, मतलब इसकी ज्वाइनिंग जो है 25th मार्च तक थी, उसका पूरा हमने उसको क्लोजली कवर करा था और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। तो वहां पर आप थर्ड फेज वाला मत देखिएगा, टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ जो क्वेश्चंस कुछ हमने खुद, हमारे टीम के काफी सदस्य उसमें अपीयर हुए थे, तो वी हैव प्रिपेयर्ड दैट क्वेश्चंस, ठीक है, GAK और बाकी, तो वो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आपको देखना है तो एक आइडिया आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर GA में जो है UDC में गिव मोर स्ट्रेस टू स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, हालांकि उसमें कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी थे SSO में, लेकिन शायद नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ था, इसमें नोटिफिकेशन में कहीं भी इंश्योरेंस मेंशन नहीं है। हाँ, अब इंश्योरेंस का करंट अफेयर्स है तो वो आ सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, या फाउंडेशन के 100 साल हो गए, तो दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो वो तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें इंश्योरेंस की जो टेक्निकलिटीज है, लाइक इंडेमनिटी और एजेंट क्या है और जो भी उसके टर्म्स हैं, फायर, मरीन, जो भी, वो आने की संभावना नहीं है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम SSO का, ESIC SSO में जो जो क्वेश्चन आए थे, तो यू कैन चेक थ्रू दैट लिंक दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आस्क्ड इन ESIC SSO एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम IBPS इज कंडक्टिंग दिस UDC एग्जाम, ESIC UDC एग्जाम, बिकॉज इन 2016-17 जिसका 18 में अपॉइंटमेंट लेटर आया, दैट वॉज कंडक्टेड ऑन द SSC पैटर्न, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे,
मेरिट लिस्ट विल बी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय यू इन मेंस एग्जामिनेशन ओनली, आई रिपीट मेंस एग्जामिनेशन ओनली। थर्ड फेज जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा ओनली क्वालिफाइंग, ठीक है, तो प्री जो था वो भी ओनली क्वालिफाइंग। तो अभी क्या बचता है आपके पास, 1 सितंबर 2019 आपके लिए डी डे है, उस दिन आपको करो या मरो, डू और डाई करना है। आपको याद होगा 1942 में आज ही के दिन कुछ निहत्थे लोग भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी उन्होंने, और उन्होंने देख लीजिए 42 से 47 लगभग 5 साल बाद देश को आजाद करवा दिया। तो आप ये छोटा सा आज प्रण लें, यू जस्ट टेक द ओथ दैट यू विल ऑल्सो डू हार्डवर्क डेडिकेटेडली एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। 1 सितंबर को आपको अपने आप को प्रूव करना है और इसी एग्जाम से आपकी ये रैंकिंग वगैरह निर्धारित हो जाएगी। सेकेंड थिंग विच वी वॉन्ट टू टेल यू, मेरिट लिस्ट विल बी मेड रीजन वाइज। कर्नाटका से दिया है तो कर्नाटका में जो मेरिट लिस्ट है वो अलग बनेगी, अगर आपने महाराष्ट्र से दिया है तो महाराष्ट्र की बनेगी, बंगाल से दिया बंगाल की, नॉर्थ ईस्टर्न दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो है वो रीजन वाइज बनेगी। इसमें और एक चीज आपको एड ऑन कर दूं, यहाँ पर टेक्निकल टीम ने शायद मेंशन नहीं किया है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी रीजन वाइज होगी। अगर आपने कर्नाटका से फिल करा है तो आपकी पोस्टिंग सिर्फ कर्नाटका में ही होगी, चाहे वो बेंगलुरु में हो, हेबल में, बेलारी में हो, चाहे कहीं भी हो, कुर्ग में हो, वो आपकी कर्नाटका में ही होगी। वैसे ही अगर आपने बिहार भरा है तो आपका पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, कहीं भी हो वो बिहार में ही होगी। हाँ ये जरूर बात है, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है, वो बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंटर रीजन ट्रांसफर ले सकते हैं, उसके फायदे और नुकसान क्या है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात, जो 2-3 इंफॉर्मेशन आपको बता रहे थे उसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन देखिए ये है, बेस्ड ऑन दिस मेरिट लिस्ट ओनली यू विल बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट प्रमोशन। देखिए रिक्रूटमेंट अब कैसे होता है, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसको हम कहते हैं डीआर, एक होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल, सॉरी एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट, और एक होता है नॉर्मल जो सीनियरिटी ऑफ प्रमोशन। तो ये तो हो गए डायरेक्ट रिक्रूट, जैसे जो एसएसओ बन के आ गया अभी लास्ट ईयर, ये सी, और जो एलडीसी है इसमें भी एक एग्जाम होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीनियरिटी बनती है कि आपकी, अब आपको ये पता है कि After 3 years, you will be eligible for next promotion. You will be eligible for. You will not be promoted. There is a difference. आप eligible हैं सिर्फ, योग्यता है वो 3 साल. 3 साल आपने service करा as a UDC, तो आप promotion. Next promotion, यहाँ पर और एक चीज बता दूँ कि आपका UDC का grade पे 2400 है. And when assistant you will be become, you will be under 4200 grade पे. यहाँ पर 2800-3200 ऐसी कोई grade पे नहीं है. तो बहुत बड़ा jump है. तो इसमें देखिए direct recruitment तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गई तो अलग बात है, एलडीसी से आप बन गए वो भी अच्छी बात, अगर नहीं बन पाए किसी कारणवश तो जो नॉर्मल सीनियरिटी रहेगी उसमें ये मेरिट लिस्ट बहुत काम आएगी। टोटल मान लीजिए 325 लोग हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 325 एक साथ असिस्टेंट बन जाएंगे, हो सकता है इसमें टॉप के जो 5-10 लोग हैं वो 4 साल में बन गए और उसके लास्ट जो लोग हैं वो 7 साल में बने। इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं मिलेगी नहीं ये इन्फॉर्मेशन, ये जस्ट आप इसको कंसिडर कीजिए। तो इस एग्जाम को आपको क्लियर तो करना ही है, लेकिन अपने अपने रीजन में, अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छे मार्क्स जितना हो सके मेंस एग्जाम में वो आपको लाना है। थर्ड फेज के लिए यहाँ पर नो नीड टू वरी अबाउट थर्ड फेज, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग। आप सब लोग कंप्यूटर सेवी हैं, यू ऑल आर गुड इन इंग्लिश, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें तो ठीक है, मिनिमल प्रिपरेशन चाहिए, जो सारा ध्यान है अभी वो थर्ड फेज की बात करेंगे हम 1 सितंबर के बाद। इस एग्जाम को हम बहुत क्लोजली फॉलो करने वाले हैं, ये आपको फिर से एक बार बता दें। तो आप अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेन एग्जाम, मेन्स एग्जाम जो 1 सितंबर का है उसके लिए, एंड फॉर द थर्ड फेज अलग से हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 1 सितंबर, ठीक है। तो इसमें मेरिट लिस्ट में आपको टॉप पर आना है ये आप निर्धारित कीजिए। इसके बाद ज्वाइनिंग विल बी रीजन वाइज, ठीक है, ज्वाइनिंग जो है वो रीजन वाइज होगी, बता दिया हमने, कर्नाटका से क्लियर किया तो कर्नाटका में ही होगी। हाँ ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है इसका कि एक दिन हो गया सभी का, नहीं, कर्नाटका वाले हो सकता है जो उसकी रीजनल ऑफिस होती है अलग से बुलाए, दिल्ली अलग से, जैसे पिछली बार का जहां तक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि दिल्ली वालों को December 16 तक बुलाया था, जो पिछला बैच गया है 2017 में, और जो कर्नाटका वाले थे उन्हें 2018-16 जनवरी तक बुलाया था, ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग डेट वेरी कर सकता है। हाँ इसकी ज्वाइनिंग भी जो है ये जो अभी
रिक्रूटमेंट चल रही है, आप ये मान के चल सकते हैं दिसंबर जनवरी में सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फर्स्ट तो आपको हमने ये बताया कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही, अब आप ये पूरे जब तक रहेंगे इसमें एसआईसी में तो ये आपका प्रमोशन आएगा, ये वाला नॉर्मल प्रमोशन। सेकेंड जो बड़ी चीज बताने वाले हैं वो ये है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर जब आपका आ जाएगा, इट विल बी रिटन दैट यू हैव टू ज्वाइन बाय, इट मींस यू कैन ज्वाइन एनी डेट बिफोर डेट। सपोज आपका आ गया अपॉइंटमेंट लेटर कि आपको यू कैन ज्वाइन ऑन और बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, ठीक है, सपोज ये आ गया, तो लोग क्या सोचते हैं कि 15 दिसंबर को मैं जाऊंगा, नहीं, आप अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर एक को आ गया तो आप डायरेक्टली जाके दो को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या दो तीन मान लीजिए मेडिकल करा लिया आपने तो उसके बाद चार को भी कर सकते हैं, पांच को भी कर सकते हैं। ये दो चीजें बहुत लोगों को नहीं पता रहती है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा ईएसआईसी एसएसओ में, इसीलिए आपको शुरुआत में ही ये दो चीजें बता दे रहे हैं, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद पेमेंट की, सैलरी की जो एक वीडियो थी उसमें आप लोग काफी क्वेश्चन आ रहे थे तो क्लियर कर देते हैं। ये जो सैलरी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज फॉर अ कैंडिडेट हु इज पोस्टेड एट एक्स, ठीक है, एक्स सिटी में, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बड़े सिटीज में पोस्टेड है। बेसिक पे सेम, एक्स वाई जेड तीन टाइप के सिटीज हैं, बेसिक पे तीनों में सेम। डीए जो है 12% 3060 तीनों में सेम। टीपीटी जो है वो 3600 प्लस डीए, रेट कितना है 12% 4032, ये एक्स सिटी में। वाई में कम हो जाएगा 1800 प्लस डीए यानी 2016। एचआरए जो है एक्स सिटी में 24% ऑफ बेसिक, वाई सिटी में 16% ऑफ बेसिक, जेड सिटी में 8% ऑफ बेसिक। तो एक्स सिटी में 24% ऑफ बेसिक, व्हाट इज द बेसिक 25500, तो इट कम्स टू 6120। ग्रॉस टोटल कितना बना आपको, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट कम्स टू 38712। डिडक्शन क्या है, ईसीएचएस स्कीम 125, एक्स वाई जेड तीनों सिटीज में, प्रोफेशनल टैक्स 200, एक्स वाई जेड तीनों सिटीज में, यूनियन फी आपको पता होगा काफी सारे एम्प्लॉइज यूनियन होते हैं तो उसकी फी सारे सिटीज में 50, न्यू पेंशन स्कीम आपको पता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो 10% ऑफ बेसिक कितना है आपका 25500 और डीए कितना 3060, तो 10% ऑफ 28560 इट कम्स टू 2856, ये भी सबका बराबर रहेगा। नेट पे टेक होम जो आपका एक्स सिटी में रहेगा वो रहेगा 35481 35481 जब आपको स्टाफ क्वार्टर्स नहीं मिला, स्टाफ क्वार्टर्स मिल गया तो चार आपका माइनस हो गया, ठीक है। एक्स सिटी का टेक होम 35481, वाई सिटी का टेक होम 31425, जेड सिटी का टेक होम 29385। शायद अब आपके जो भी सवाल होंगे वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे दिसंबर में तब तक एक जो डीए ड्यू है, डीएनएस अलाउंस जिसे हम कहते हैं वो ड्यू है जुलाई 1st से, वो तब तक आ गया होगा और आशंका ये की जा रही है कि मिनिमम 4% मैक्स 5% वो अनाउंस होगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर ये बेसिक की 4% आप लगा लीजिए, 25,000 का 4%, 1,000 रुपए, 500 का 4%, तो 1,000 रुपए यहां बढ़ जाएगा प्लस ये टीपीटी यहां पर डीए यहां कुछ बढ़ जाएगा, तो 1,200-1,300 रुपए आप इसमें बढ़ा सकते हैं इसमें टेक होम, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर भी कोई सवाल है तो नहीं बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश, कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, डू नॉट लूज हार्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लर्न फ्रॉम दिस फेलियर। कहां पर आप चूक गए, इंग्लिश में कमी रह गई, रीजनिंग में कमी रह गई, या क्वांट में कमी रह गई, या स्ट्रेटेजी में कमी रह गई, टाइम कम पड़ गया, उस चीज को आप जानिए। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ and try to work on your weak areas. Still, जो EPFOSSA है, 31 अगस्त, आज तारीख है 9 अगस्त, 21 दिन का समय है आपके पास, ठीक है। कई लोग क्या है, 161 कट ऑफ है, 165 कट ऑफ उनकी, 158, 159, 1-2 मार्क्स से, आप बिल्कुल तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और ब्रशअप कीजिए, आप लाइन जो है फिनिश लाइन उसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए मोटिवेशन की एक और बात करूंगा, देखिए EPFOSSA का एग्जामिनेशन जो है इट इज ओनली ऑन 31st अगस्त 2019, जो अभी तक पता लगा है, बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कम्युनिटी टैब में भी दे दिया था कल, तो आपको अगर कुछ पता लगे तो ये भी बताइएगा, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 अगस्त 2019 EPFOSSA प्री, 1 सितंबर 2019 ESICUDC मेंस। मोटिवेशन के लिए आपकी ये बात है, ESICUDC जो है यहाँ पर वो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, EPFOSSA जो है वो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, हालांकि नेक्स्ट प्रमोशन इनका भी 4200, इनको बोलते हैं असिस्टेंट, और यहां पर नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट सेक्शन, शायद ये है असिस्टेंट सेक्शन, ठीक है, 2400 से 42, 2800 से 42, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें से, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको और कुछ
रिक्वायर्ड है या जो आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए भी और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी। देखिए फ्रेंड्स, हमने भी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, लेकिन मेहनत, डेडिकेशन, ईमानदारी से करेंगे तो आप ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन ये जो 2400-2800 ग्रेड पोस्ट वाली जो 7th सीपीसी वाली पोस्ट है वो आप जरूर हासिल कर सकते हैं। और आप हमसे पूछे तो हम ये कहेंगे कि एसएससी के थ्रू या डायरेक्टली तो यहां से हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, सिलेक्ट हुए नहीं सिलेक्ट हुए सबके लिए दो पंक्तियां हमारी पूरी टीम की तरफ से कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आ गया आपका टाइम, बदलिए इतिहास। 31 अगस्त 2019 ईपीएफओ एसएसए और 1 सितंबर 2019 ईएसआईसी यूडीसी। रखिए अपना ख्याल और वादा कीजिए कि आप अपना पूरा जोर लगा देंगे इन दोनों वैकेंसीज के लिए। इसी वादे के साथ मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार एंड गुड बाय।